नमस्कार, आपके साथ मैं आदिति त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। यहाँ आज बात होने जा रही है कनाडा और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तान समर्थकों के साथ खड़े होने के बाद जिस तरह का तनाव टेंशन्स भारत और कनाडा के रिश्तों में है और लगातार भारत की तरफ से जवाब भी दिया जा रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो जवाब आया उसमें कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई। जस्टिन ट्रूडो खासतौर पर जिस तरह से खालिस्तानी आयोजन में दिखाई दिए और खालिस्तानियों के लिए जो उनका खुला समर्थन है उसे लेकर भी भारत आक्रामक है। लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। कैनेडियन विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि निज्जर कि जिस तरह से हत्या हुई है उन्हें भारत पर आरोप लगाने का जो उनका सिलसिला है वो लगातार जारी है। उन आरोपों के साथ कनाडा दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ भारत किसी तरह की भूमिका से इंकार कर रहा है। निज्जर भारत में वांटेड टेररिस्ट है था और इस बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी और तमाम डोसिए दिए गए थे। ये बात भी भारत बार बार दोहराता रहा है और बार बार इस बात को लेकर भी आपत्ति जताता रहा है कि कैनेडियन सोइल का इस्तेमाल ऑर्गेनाइज क्राइम, ड्रग एडिक्ट और साथ ही भारत के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज और भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए किया जा रहा है। तो टेंशन दोनों ही देशों के रिश्ते में लगातार बरकरार है। हमारे साथ एमएस बिट्टा साहब हैं जिन्होंने जो 80s में टेररिज्म का एक लंबा दौर आया, 80s और 90s की अगर बात की जाए, बहुत करीब से उस दौर को देखा, टेरर को बहुत करीब से देखा, अपने शरीर पर बल्कि इसे झेला भी। खुद जिस तरह से वो बम विस्फोट में इसकी चपेट में आए और टेररिज्म के खिलाफ काफी मुखर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है एमएस बिट्टा साहब आपका इस ब्रॉडकास्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम। बेटा साहब, सबसे पहले तो जो मैं आपसे सवाल यहां पर पूछना चाहती हूं उसे किसी तरह की बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है क्योंकि एक तरफ आपने टेररिज्म का वो दौर देखा है, दूसरी तरफ कनाडा जिस तरह से खालिस्तान समर्थकों के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, वायलेंस, भारत के खिलाफ जहर उगलना, भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें, भारत को बदनाम करने की साजिशें, इस पूरे डेवलपमेंट को जो बीते एक साल की, करीब करीब एक साल की अगर मैं बात करूं, आप कैसे देखते हैं ग्राउंड पर, आपको खासतौर पर पंजाब में आपको इसका कितना असर दिखाई देता है? देखो त्यागी जी, असर जहां तक पंजाब में है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, ये खालिस्तान का जितना भी असर है ये एक दिखावा है। ये वो लोग हैं पंजाब के भागे हुए जिन्होंने बेगुनाहों का कत्लेआम किया था, 70,000 बेगुनाहों का खून करके, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम करके को अमेरिका चला गया, को जर्मनी चला गया, को यूके चला गया, को कनाडा चला गया। अब कनाडा में इन्होंने अपना एक अड्डा बना लिया, पीछे इनके ISI। मैं बार बार एक चीज दोहराना चाहता हूं, जब तिरंगे झंडे को फुटबॉल बना के कनाडा के अंदर सुंदर दस्तार पहन के, सुंदर गुरु महाराज का जो हमें दी हुई पोशाक है उसको पहन करके, हाथ पे कृपाण होती है और हम तिरंगे झंडे को फुटबॉल बना के रोते हैं, खालिस्तान के नारे लगाते हैं, भारत माँ के खिलाफ नारे लगाते हैं, और यूके के अंदर जब अम्बेसी से तिरंगे झंडे को उतारा जाता है, उनको पैरों में रोदा जाता है, भगत सिंह जी को आतंकवादी कहा जाता है, भारत माँ को गाली दी जाती है और हिंदू धर्म के ऊपर हमले किए जाते हैं। पहली बात तो हिंदू सिख नौ मास का रिश्ता है, तो सिख समाज से आवाज क्यों ना उठे, मेरा एक सबसे बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल है मेरा, जो मैं इतने सालों के बाद जिस चीज को रिसर्च करके, मैं सोच करके आज बोलने के लिए मैं तैयार हुआ हूं। हिंदू अगर बोलता है कोई, खालिस्तान मुर्दाबाद कहते तू तो हिंदू है, हिंदू अगर मेरा भाई को बोलता है तू तो फिरका प्रस्त है, हिंदू मेरा भाई बोलता है तू तो RSS का है, हिंदू भाई बोलता है तू तो BJP का है, हिंदू भाई बोलता है तू नफरत फैलाने वाला, जबकि ऐसी को बात नहीं। जितना हिंदू धर्म, 110 करोड़ हिंदू मेरे भाई हरमंदिर साहब जाके नमस्तक होते उतने सिख भी नहीं जाते, जितने गुरुद्वारा साहब के अंदर पूरे दुनिया के अंदर हिंदू धर्म के मेरे भाई जाते हैं, मेरी माए बहने जाती हैं, क्या सिख धर्म के भी नहीं जाते? तो सिख धर्म से आवाज उठे ना, डबल पॉलिसी खेलते हैं सब लोग हिंदुस्तान के अंदर, चाहे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में, पावरफुल पॉलिटिकल पार्टियों में, पर डबल गेम खेलने की कोशिश करते हैं। मैं एक सारी चीजों का एक निचोड़ आपको बता दूं,
ना सरकारों की जी जरूरत पड़ेगी, ना एनआईए की जरूरत पड़ेगी, ना गोली की जरूरत पड़ेगी, ना बंदूक की, ना बम की जरूरत, ना रॉकेट लॉन्चर की जरूरत पड़ेगी, ना AK-47 की जरूरत पड़ेगी। जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर पूरा सिख समाज पंजाब नहीं बोलता, उसको 2 मिनट के लिए छोड़ दो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। और हिंदुस्तान के मेरे सिख भाई तो बैठे हैं, फिर कमाई से 10-200 नोआ की कमाई से, खून पसीने की कमाई से गुरुद्वारा तो सब सजाए हैं, गुरु ग्रंथ साहब तो विराजमान है, हम वहां समागमों पे इकट्ठा तो होते हैं, क्या वहां इकट्ठे होके मीडिया बुला के बड़े सुंदर अच्छे तरीके से ये नहीं कह सकते कि ये जो विदेशों के अंदर खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, इनका हिंदुस्तान से क्या मतलब? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा देश हमारे गुरुओं का देश है, हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का देश है, हमारा देश गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर चांदनी चौक जिन्होंने शहादत दी, हमारा वो देश है, हमारा देश गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पटना साहब उनका जन्म स्थान, हमारा ये देश है, पूरा भारत वर्ष हमारा है। हम पाकिस्तान से नहीं मिलना चाहते, हम खालिस्तान नहीं चाहते, हम भूखे नंगे पाकिस्तान से रिश्ते रखने वालों से, ये कौम के गदार है, ये देश के गदार है, हम भारतीय हैं। क्या चार शब्द कहने में तकलीफ है? क्या चार? हम भारतीय हैं, हम खालिस्तान नहीं चाहते, हम भूखे नंगे पाकिस्तान से नहीं मिलना चाहते, हम पन्नू जैसे लोग जो हिंदुस्तान के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ, पाकिस्तान के, चाइना के इशारों पे हमारी सिख कौम को बदनाम करने की कोशिश करते, हमारा इच्छा चार शब्द कहने में अगर दिक्कत है त्यागी जी, जब जिंदगी की हकीकत बता रहा हूं, तो फिर मैं समझूंगा कि जो मेरे जैसे लोग भी चुप बैठे हैं, हम भी उनकी मूवमेंट में शामिल हैं, हम तमाशा देख रहे हैं और भारत माता को गाली दी जा रही है और हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के खून से पंतरंगे झंडे को पैरों में रोदा जा रहा है, हमारे से आवाज नहीं उठती? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं फिर कहूं बार बार, कोई गोली, कोई बम, कोई सरकार, कोई अम्बेसी, कोई फॉरेन मिनिस्ट्री की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, जब हिंदुस्तान के अंदर पंजाब को छोड़ के आवाज उठेगी खालिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये हमारे गुरु साहबानों की कुर्बानियों का देश है, कहानी खत्म। हमने पंजाब के अंदर आतंकवाद समाप्त किया, हम ज्यादा सिख समाज के मेरे दोस्त थे, हमारी एक मूवमेंट थी, लाल पगड़ी होती थी, व्हाइट निकर, व्हाइट शर्ट होती थी, तिरंगा झंडा हाथ में होता था, व्हाइट बूट, व्हाइट जराब होती थी और निकलते थे, क्या करें, भारत माँ के चार सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत एक धर्म अनेक, खालिस्तान मुर्दाबाद, भारत एक है, प्रथम राष्ट्र है। हम उस गांव में निकला करते थे, जब निकलते थे काफले थे, अगले दिन 2-4 को गोलियां मार देते थे, पर लड़ाई लड़ी, कामयाबी हुई, अमन शांति आया, पर 42 साल के अंदर हमने सबक क्या सीखा? पॉलिटिकल पार्टियों ने क्या सबक सीखा? कहां है पॉलिटिकल पार्टियों की सोच? अगर सिख धर्म से जुड़े हुए हैं किसी पॉलिटिकल पार्टियों में, ना 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 ना, हम नहीं बोलेंगे, ना हमारा सिख धर्म के लोग ना, अरे देश को तोड़ने की बात हो रही है भाई, हमारी सिक्खी को बदनाम करने की बात हो रही है भाई, छोड़ो वोट बैंक, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई वोट बैंक नहीं चाहिए, हमें प्रथम राष्ट्र चाहिए, क्यों ना बोले जी कोई, मेरा सवाल है क्यों ना बोले, कितनी आवाज उठती मुझे बता दीजिए, उठती है किसी की? बड़ी धीमी धीमी आवाज में मजबूरी में बोलेंगे, हाँ हम इनके खरा, ऐसे नहीं होता, आवाज होती है जैसे आप बोलते ना कश्मीर में जाके बोले कड़क, ऐसे ऐसे आवाज होती है, ऐसे दम होता है, इनको आवाज AK-47 की तरह लगती, इनका सीना पार करेगी, इनका शरीर को पार कर देगी कि हम भारतीय है भाई, हम बोलते नहीं है क्या, चलाने कितने बम गोलियां चलाने चला, क्या करेंगे, जा रहे भारतीय है ना, आज ये हमारी हालत है त्यागी जी, मेरे जैसा आदमी हिंदुस्तान पार करके कहीं दुबई, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा नहीं जा सकता, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मैं हिंदुस्तान में मरना चाहता हूँ, यही मेरी शहादत हो, मुझे पता वहां मारेंगे, ये लोग, कितनी आबादी है हमारी, 1,60,00,000 हम पंजाब में, 1,60,00,000, 60 लाख हम हिंदुस्तान में और 27 लाख दुनिया में, ये हमारी पॉपुलेशन है, और पूरी दुनिया 195 देशों में, 128 कंट्रियों में गुरुद्वारा साहब है, निशान साहब जुड़ते हैं, जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नमस्कार करते हैं, ये हमारी पॉपुलेशन, और पूरी दुनिया, हर कौम, हर मजहब, पूरी दुनिया एक सिख धर्म के आगे सिर झुकाती है, और हमारे अंदर से अहंकार जाता ही नहीं, बस असी सरदार हैं,
अरे कौन कहता सरदारनी आपको सरदार नहीं, हमको सरदार जी कहते हैं। अगर रिक्शे वाला भी कोई सरदार है ना, उसको कहेंगे सरदार नहीं, सरदार जी। देखो सिख धर्म का मान सम्मान कितना, 1,60,00,000 वहां, 60,00,000 हिंदुस्तान में, 27,00,000 वहां, पर हम रोज पंगे लेने से हटते ही नहीं। आज अगर मुस्लिम समाज की थोड़ी देर के लिए बात करूं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम बड़ी डिबेटें करते रहे, अलग अलग चैनलों में करते रहे। आज मुझे बताइए, मुस्लिम समुदाय के अंदर राम जन्मभूमि के निर्माण के बाद, मैं नहीं कहता वो डर गए, बिल्कुल नहीं कहूंगा डर गए, कितना बड़ा अंतर आया। आज डिबेटों में मुझे को बताइए कोई ऐसे बहस करने आता है, नहीं आता। कितना बड़ा समाज है मुस्लिम समाज, कितना बड़ा अंतर इस देश के अंदर आया, कितना बड़ा सेक्युलरिज्म इस देश के अंदर आया, पर हम लोग हटने को तैयार ही नहीं, और हम चुप बैठे। जिम्मेदार लोग चुप बैठे, पॉलिटिकल पार्टियों के लोग चुप बैठे, गुरुद्वारा साहब के अंदर हम चुप बैठे, क्यों वाए? अरे हमारे देश को गाली दी जा रही है, हमारे गुरुओं के देश को गाली दी जा रही है, हमारे खून से बने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के खून से बने तिरंगे झंडे को अपमानित किया जा रहा है। एक भी आवाज से कौम से नहीं उठती। अगर मेरे जैसे दो लोग बोलते हैं, चार लोग बोलते हैं, किस महीने में, आप हमारी फेसबुक कभी देख लो, अपनी फेसबुक देख लो, आप देश की बात करेंगे, खालिस्तान की बात करेंगे, क्या आपको कमेंट्स आएंगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हर सच्चा भारतीय कहेगा त्यागी जी कमाल है, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यहाँ दो चार मेरे जैसे को छोड़ के कहीं पगड़ी नजर आ गई, कमेंट्स पढ़ो, गंदी गाली के अलावा इनको आता ही कुछ नहीं, गंदी भाषा के अलावा। बिट्टा सर सॉरी, माफी के साथ मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि आपने कमेंट्स का जिक्र किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं इस वक्त, आप अपना सवाल या आपका जो भी कमेंट है वो आप हम तक पहुंचाइए, और इस ब्रॉडकास्ट के दौरान आपके उन कमेंट्स को, आपकी इस बात को मैं बिट्टा सर के सामने उठाऊंगी। जैसा कि बिट्टा सर यहां पर कह रहे हैं कि कमेंट्स में खड़ा क्यों नहीं होते, जो भारत के सिक्स हैं वो खड़े क्यों नहीं होते, और यहां पर बिट्टा सर क्योंकि आपकी आवाज में आज मुझे दर्द दिखाई दिया है, दर्द फील कर सकती हूँ, एक पीड़ा फील कर सकती हूँ, ये कनाडा में बैठकर भारत के खिलाफ और खास तौर पर ये जो भारतीय सिखों को बदनाम करने की साजिश है, ये क्यों है, किस लिए है और कौन है इसके पीछे? क्योंकि हम गुरपतवंत सिंह पन्नू को देखते हैं, हर दूसरे दिन वीडियो जारी करता है भारत के उड़ा देने की, भारत को तबाह कर देने की धमकी देता है। देखो हमारा फौज का जवान है ना गुरतेज सिंह, आपने नाम सुना होगा, चाइना से जब थोड़ी सी लड़ाई हुई अरुणाचल की साइड पे, अकेला गुरतेज सिंह जी, बंदूक नहीं थी वहां, बंदूक नहीं रखी जा सकती ना, चाइना वाले अपनी कृपान निकाली गुरु महाराज की, 25 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। क्या बोला, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। फौज का जवान जब वर्दी पहनता है ना, पगड़ी पहनता है, कहता ना मैं हिंदू हूं, ना मैं सिख हूं, ना मुसलमान हूं, ना ईसाई हूं, मैं तो भारतीय हूं, मैं तो उस गुरु महाराज का सच्चा सिख हूं, जिस मेरे गुरुओं ने इस राष्ट्र के लिए कुर्बानी दी, मानवता के लिए कुर्बानी दी, अकेले हिंदू भाइयों के लिए नहीं, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, मजलूमों के, मैं वो सिख हूं। और मुझे एक चीज फिर वही आपने सवाल पूछा, उसका जवाब तो यही है, कितने सिख समाज के लोगों की आवाज उठी मुझे बताइए, मुझे बता दीजिए। मैं रोज अपनी फेसबुक को देखता हूँ, क्या सुंदर कमेंट्स आते हैं, वंदे मातरम, भारत माता की, जहां मेरा सिख भाई 2-4-10 मेरे जैसे छोड़ के गंद ही बोलना, इसका मतलब क्या? अरे गंद ना बोलो, वंदे मातरम ना बोलो, भारत माता की जय ना बोलो, अरे चुप तो रह जाओ, हौसलों को तोड़ने की कोशिश क्या करते हो? सुनिए, अब राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, देखो एक मुद्दा है सिख धर्म से जुड़ा हुआ, राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, राम जन्मभूमि के साइड में एक गुरुद्वारा साहब है जहां गुरु नानक देव जी आए, जहां माता गुजरी जी आए, गुरु गोविंद सिंह जी के माता जी, जहां गुरु तेग बहादुर जी आए, कितने गुरु साहेबान आए गुरु नानक देव जी के आके, और ऐलान हो गया कि कोई राम जन्मभूमि सिख नहीं जाएगा। मुझे बताइए, मुसलमान गया मेरा भाई वहां पे, किसी मुसलमान भाई ने विरोध किया? जब पूरी आकाशा थी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर दंगे होंगे, फसाद होंगे, गोली चलेगी, एक जगह पे गोली नहीं चली, और मुसलमान भाई, मैं जब मैं राम जन्मभूमि गया, मैंने कई मुसलमान भाई देखे, हिंदू मुसलमान जा रहे, सिर्फ समाज के लीडर, जिम्मेदार लीडर, काम के आगू, धर्म के ठेकेदार, ये कहें राम जन्मभूमि नहीं जाएंगे, ये नफरत के बीज बोने वाला कौन है? और उसका जवाब क्यों कोई नहीं देता? बिट्टा को देना पड़ेगा, बिट्टा आखिरी सांस तक बोनस की बंपो की जिंदगी से
बोलेगा, मेरी रूह भी बोलेगी। और मैं आज आपको बता दूं, 42 साल हो गए, आपने कहा मेरा दर्द मेरे शरीर के अंदर, मेरे लाल खून में इतना दर्द छुपा है ना कि मेरा दर्द निकलेगा जब बम्बों गोलियों से जाऊंगा ना। मेरा संस्कार पंजाब की वो गुरुओं की धरती पे नहीं होगा जिसको इन्होंने अपमानित किया है, जिसको इन्होंने 30,000 बेगुनाहों का कत्लेआम करके लहू डोला है। मेरा संस्कार होगा पालिताना, कहा गुजरात की धरती, सौराष्ट्र की धरती, जैन धर्म की धरती, फिर कहूं जैन धर्म की धरती, महावीर जी की धरती, जिन्होंने कहा जियो और जीने जो जो कहते हमारे पांव के नीचे आके एक कीड़ी भी ना मरे, एक मच्छर भी ना मरे, तन पे कपड़े नहीं होते, और पुराने हजारों साल के इतिहास को आज भी जिंदा रखा है, संदेश देते हुए कड़क सड़क धूप में सर्दी में तन पे कपड़ा नहीं, जियो और जीने दो। और मैं कहूं मेरी बॉडी जब लिपटी हो ना खून से, आसपास जो लिखा जाए जियो और जीने दो, जाते वक्त इनको जवाब देके जाऊंगा। अरे ये 42 साल में नहीं समझेंगे, समझेंगे कौन, और समझाने वाला है कोई नहीं। अब नरेंद्र मोदी जी समझाएंगे, नरेंद्र मोदी जी समझाएंगे तो ये आप तो हिंदू हो, आप तो फिरका प्रस्त हो। और वो नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने दो साहबजादों का, चार साहबजादों का नाम रखा वीर बाल देवत, किसी ने रखा ही नहीं, और पूरी दुनिया की अम्बेसियों में, पूरी सरकारों में ऑर्डर कर दिया गवर्नर हाउस में मनाया जाएगा, गुरु तेग बहादुर जी का दिन रखा, और क्या किया, गुरु नानक देव जी का दिन आया, एक तरफ पुलवामा का झगड़ा, गोलियां चल रही, एक तरफ जंग की तैयारी, आप इंटरव्यू लेते रहे उस वक्त, दूसरी तरफ कहा कॉरिडोर खुलेगा तो खुलेगा गुरु नानक देव जी के दिन, पूरी दुनिया के लोग हिंदुस्तान से नमस्तक होंगे, दर्शन करेंगे, और खुद जाके वहां गए और खतरनाक टेररिस्ट, खतरनाक आतंकवादी छोड़ दिए। मोदी जी ने हम नहीं बोले, हमने कहा ठीक है जो फैसला आपने कर दिया किया, हम नहीं बोले, हम चुप रहे, और काली सूची उन आतंकवादियों की जो भारत में आ नहीं सकते, जिन्होंने भारत में बेगुनाहों का कत्लेआम किया, जिन्होंने भारत को तोड़ने की अभी भी जो साजिश होती उन सूची को खत्म कर दिया। आप फिर भी उनको गाली देते हो, आप किसान आंदोलन के अंदर विदेशी कनाडा से अमेरिका से फंडिंग आती है, चैलेंज करके कहता तो तुम्हारी ऐसी की तैसी, जितनी मर्जी गाली, तुम्हारी गाली की परवाह कर दो, गोलियों बम्बों की परवाह नहीं की, सच बोलूंगा। वहां आप धमकी देते हैं कि पाकिस्तान के दरवाजे खोल दो, हम हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेंगे, हम नरेंद्र मोदी को मार देंगे, उस वक्त भी छिंबू बॉर्डर पे, आज छिंबू बॉर्डर पे, दोनों टाइम हम मार देंगे। अरे ये जो पहरावा है, ये जो पगड़ी है, ये हमें गुरु महाराज ने पवित्र दिया है, हम पापियों को, गुनाहगारों को, हम काबिल नहीं है, और हम अपने पहचान को क्या बना रहे हैं, हमारे से लोग दूर जाते जा रहे थे, आगे जी कड़वा सच है, हमसे लोग दूर जा रहे हैं बहुत, हमारे सिख धर्म से दूर नहीं जा रहे, हमारे गुरुओं से नहीं जा रहे, पर हमारे जैसे लोगों से दूर जा रहे। अरे यार ये तो काट देते हैं, अरे यार ये मार देते हैं, हमारे चेहरे चेहरे इतने ड्रोने बना दिए ना इन गुंडों ने, चार खालिस्तानियों ने, बदमाशों में, और गुनाहगार कौन है, गुनाहगार हम है जो हम बोलते नहीं है, हम सोशल मीडिया पे जवाब नहीं देते, हम ये नहीं कहते हिंदू सिख नौ मात का रिश्ता, हिंदू सिख रोटी बेटी का रिश्ता, हम कहने को तैयार नहीं है, नहीं हम सरदार हैं तो क्यों नहीं है तैयार, क्यों नहीं है बिट्टा सर, आपने ये कहा कि हम कहने को तैयार नहीं है, आपको क्या वजह लगती है कि क्यों तैयार नहीं है? और आपने थोड़ी देर पहले ISI का जिक्र किया, जस्टिन ट्रूडो की बात कर रहे हैं, कनाडा में किस तरह से ये जो खालिस्तानी समर्थक बैठे हुए हैं, विदेश मंत्री के शब्दों का इस्तेमाल करूं तो ऑर्गेनाइज क्राइम का हब उन्होंने करार दिया था इन एलिमेंट्स को, ऐसे में क्यों क्यों है ये चुप्पी, किसका डर है या किसने बरगला दिया है? पहली बात तो मैं आपको बताऊं, अमेरिका पहले इस लाइन में था ही नहीं, अब अमेरिका भी बीच में घुसा है, अब ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान आज तरक्की के रास्ते पे जा रहे हैं। देखो पॉलिटिकल लड़ाइयां आपस में इनकी सबकी होती रहेंगी, जो बोलना एक दूसरे को बोले, ये तो मानना पड़ेगा हिंदुस्तान तरक्की के रास्ते पे गया, कहीं खुश है कहीं नहीं खुश, मैं तो बड़ा खुश हूं, 370 धारा खत्म हुई, राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, सेकुलरिज्म आया, लड़ाइयां एक दूसरे के ऊपर चलती रहती हैं। अब दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का एक नाम हुआ, अब ये देश चाहते हैं सब इकट्ठे होके कि हिंदुस्तान को कमजोर करने की कोशिश करें, तो सिख धर्म क्यों आगे आए, सिख धर्म के लोग कनाडा अमेरिका के अंदर यूके के अंदर क्यों सिख धर्म के लोग आके तिरंगे झंडे का अपमान करें? क्या मुझे एक चीज बताएं,
क्या किसी मुसलमान भाई के अंदर, इनका शानाबाग कोई जगह थी दिल्ली के अंदर, आंदोलन चला, आंदोलन चला, आपने कवर किया बड़ा, वहां तिरंगे थे, चाहे वो उसके आंदोलन को उठा दिया गया, भारत के खिलाफ नारे नहीं थे क्या? भारत के खिलाफ तिरंगे झंडे को लेके, तिरंगे झंडे का अपमान क्या पगड़ी वाले लोग करेंगे, हम सरदार लोग करेंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न और बड़ा बहुत बड़ा सवाल है। अब अमेरिका कनाडा के अंदर इस देश को, भारत को तोड़ने वाले, भारत के अंदर गैंगस्टर, अभी सलमान खान के ऊपर गोली चली, किस कहां से चली? कनाडा अमेरिका से ऑर्डर हुआ। अब ये देश ये काम करेंगे, ये देश पाकिस्तान के रास्ते पे चलेंगे, वहां पे आप इशारे करो और हिंदुस्तान के लोगों को किसी को भी मार दो, सलमान खान पे गोली चला दो, मूसे वाले पे गोली चला दो, बिट्टा पे गोली चला दो, और हिंदुस्तान चुप रहे, आप गोलियां चलाते रहो वहां से 50,000 रुपए के खरीद के आदमी को, और आप वहां पे अपनी अपनी बल्ले बल्ले करते रहो, और वो देश इनको पालते रहे, क्या वो देश जिम्मेदार नहीं है? क्या अमेरिका जिम्मेदार नहीं है? क्या कनाडा जिम्मेदार नहीं है? क्या यूके जिम्मेदार नहीं है? अगर जर्मनी में है आतंकवादी, वो जिम्मेदार नहीं है? पाकिस्तान को निकाल दो, इनको हम देख लेंगे। पर मैं फिर कहूं, सिख धर्म से आवाज क्यों ना उठे, बार बार कहूंगा, क्यों ना आवाज उठे? कितनी पॉलिटिकल पार्टियां बड़ी बड़ी, कितने सिख लीडर हैं? मैं आपसे सवाल करूंगा, कितने सिख लीडर हैं? अब बुला लो, कोई और डिबेट होती फटाफट आएंगे, फटाफट ठोक ठोक के हाथ ला के ऐसे बोलेंगे रुमाल निकाल के, पर जब खालिस्तान की बात आ जाए, नहीं जी मेरे पास टाइम नहीं। एक्चुअली सही है या नहीं, गलत है या सही, बोलेंगे आवाज बड़ी धीरे, ऐसे नहीं होता। आवाज को AK-47 बनाना होगा, आवाज को रॉकेट लॉन्चर बनाना होगा, आवाज ऐसी निकले इनका शरीर पार दे, वहां पे ये आवाज निकली। हिंदुस्तान के अंदर अगर 1,000-2,000 लोग भी, 5,000 भी निकल जाए गुरुद्वारा साहब में, इनका गया काम। कोई जरूरत नहीं अमेरिका को तरले मारने की कनाडा में, और हिंदुस्तान की सरकारों को गोली उठाने की, काम इनका हो गया। अरे रहते वो अमेरिका में, रहते कनाडा में, रहते यूके में, अरे तुम्हारा हिंदुस्तान में क्या तलक? रोटी पानी वहां कमाते, जन्म आपका वहां हुआ, हिंदुस्तान में कौन सा तुम खालिस्तान चाहते हो? आप मुझे बताइए, आपने सब जगह पे इंटरव्यू लिया, आप पूरे हिंदुस्तान में घूमिए, गुरुद्वारा साहब में जाइए, इतना पूछ लीजिए कि आप खालिस्तान चाहते हैं। अगर कोई आदमी कह रहे खालिस्तान चाहता हूं, तो मैं आज के बाद आपके चैनल में नहीं आऊंगा। कोई सिख नहीं चाहता खालिस्तान 20-25 को छोड़ के, बस आवाज हमारी बंद है। फिर सरकारें कितनी देर लड़ती रहेंगी, बताइए ना। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया बेटा सर, अपने विचारों को इतनी स्पष्टता के साथ और आपकी आवाज का दर्द मैं महसूस कर पाई, और उम्मीद है जो भी इस वीडियो को देखेगा वो भी इसे जाहिर तौर पर महसूस कर पाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।